राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम की कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा की गई। समीक्षा में ये बात सामने आई कि मगध और शाहबाद में एनडीए ने ही एनडीए को हराने का काम किया, इससे राजद को उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए के घटक मिलकर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए ने ही एनडीए को हराया है, इसलिए उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। जीत गए हैं, एनडीए ने एनडीए को हराया इसलिए वही सामने थे, जीत गए, वरना उनको जनता ने जिता दिया हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। और इस बार विधानसभा चुनाव में हम रणनीति को पूरे तौर पे दुरुस्त करेंगे, एनडीए दुरुस्त करेगा और पूरी एकजुटता के साथ एनडीए लड़ेगा, चुनाव जीतेगा और सरकार बनाएगा। इस इलाके में भी 2010 में जो स्थिति थी या उससे भी बेहतर स्थिति एनडीए के लिए, इस इलाके में भी हम बनाएंगे, हम सभी मिलकर। हम एक पार्टी नहीं, पूरे एनडीए की बात कर रहे हैं। तो विपक्ष के लोग जो इस खुशी में होंगे कि लोकसभा में कुछ सीट मिल गई इस इलाके में, तो उनके कारण से नहीं, जनता उनको प्यार करने लगी है इसलिए थोड़े। तो एनडीए ने एनडीए को हराने का काम किया, इसके चलते उनको लाभ मिल गया। वहीं आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर भी उपेंद्र कुशवाहा ने जानकारी दी, सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, हमारी सीट, हमारी पार्टी का उम्मीदवार कितनी सीटों पर होगा अभी का यह विषय नहीं है, जब का विषय होगा, जहां का विषय होगा, हम लोग वहां चर्चा करेंगे। हाँ, तैयारी की बात है तो अभी तो 243 पर हम पूरी मजबूती से तैयारी कर रहे हैं, इसलिए कि जहां हमारी पार्टी का उम्मीदवार होगा वहां तो जिताने में हमारी पार्टी के लोग लगेंगे ही, जहां घटक दल के दूसरे उम्मीदवार होंगे वहां उनको भी तो जिताना है, इसलिए तैयारी हमारी रहेगी सब जगह। तभी तो कहीं हमारा उम्मीदवार, कहीं बीजेपी का, कहीं जेडीयू का, कहीं और पार्टी का, उसको भी जिताने का काम तो हम लोग करेंगे। तो तैयारी सभी जगह। देखिए, उस बार भी फैक्टर कुछ अलग था, चिराग पासवान जी अलग थे जो आज एनडीए में हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी अलग थे जो आज एनडीए में हैं। तो आप देख लीजिए ना वोट का, उस समय भी किस तरह से डिवीजन लोजपा को भी मिला, हमारे उम्मीदवार को भी मिला, इस जिला में भी कई जगह इतना अच्छा वोट मिला, तो उसके चलते मैं उस बार यह परिणाम आया था, इसलिए विपक्ष के लोग उसको भी देख कर खुशफहमी पालते होंगे। इस बार तो सब हम लोग एक साथ हैं, कहां से उनकी दाल गलने वाली। हाँ, हम लोगों को थोड़ा अलर्ट रहना। उपेंद्र कुशवाहा ने आगे कहा कि INDIA को जनता ने नकार दिया है, अगर मगध और शाहबाद को छोड़ दें तो दलों की उपस्थिति लोकसभा चुनाव में नगण्य रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र ने कहा कि वर्तमान समय में राजद सुप्रीमो लालू यादव का परिवार जनता की सेवा की जगह न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं। पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।